हाय एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग एक नया मतलब दिस आई न्यू कि देर आर सम पीपल हु डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनमें से हम बोलते ना कि अभी तक इसका बचपना नहीं गया अभी तक जिम्मेदार नहीं हुआ ये सारी चीज़ें हमने बोलते हुए सुना होगा बट अगर ये बहुत हायर एक्सटिंक्ट पे होता है तो ये एक सिंड्रोम कहा जाता है इसको पीटर पेन सिंड्रोम बोलते हैं इसको पीटर पेन सिंड्रोम क्यों बोलते हैं आल्टेल यू एंड डब्ल्यू एच ओ ने क्या इसको मान्यता दी है नहीं दी है क्यों नहीं दी है इसके क्या सिम्टम्स होते हैं इन सब के बारे में बात करेंगे बट पीटर पेन सिंड्रोम को अगर हम बहुत ही शॉर्ट शब्दों में बोले तो बोलते हैं कि नेवर ग्रोज अप एक ऐसा आदमी जो कभी बड़ा ही नहीं हुआ जिसने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं सीखा देखो लाइफ के डिफरेंट फेजिज होते हैं जब हम बच्चे होते हैं हम टीन एजर्स होते हैं देन लाइक स्कूल की मस्ती अलग होती है देन यू कम टू द कॉलेज यू फिर भी आप मस्ती होती है लेकिन फिर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देन यू ग्रेजुएट फिर आप अब की अब अब जॉब की सर्च हो गई यू नो लाइक डिफरेंट फेजेस जैसे कि हमारे आ, वेदास के अंदर हमारे एंशंट बुक्स के अंदर भी दिया हुआ है कि एक आ, आपका डिफरेंट डिफरेंट आश्रम्स होते हैं आपका एक गृहस्थ आश्रम होता है आपका एक आ, हमारा कौन सा हाँ वानाश्रम होता है तो इस तरीके से डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ दिए हुए हैं जिसके अंदर की इंसान हर एक फेज को जीता है उसमें डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है बट इफ ये मिसमैच हो जाती है then you know, कि कभी बड़ा नहीं हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली सो दिस नेवर ग्रोइंग अप और समबड़ी हु नेवर टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको एक पीटर पेन सिंड्रोम बोलते हैं इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे दिस कंप्लीट पिक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग तो ये पीटर पेन है पीटर पेन एक कार्टून आया करता था इस पर मूवी भी है पीटर पेन की सो so, इट्स लाइक कि एक मैं आपको बताऊं कि आगे अभी हम बात करेंगे तो पीटर पेन एक अडल्ट uh, लड़का था आई एम कि अडल्ट बॉय था वाई एम सेडल्ट बॉय बिकॉज ही वॉज रनिंग अवे फ्रॉम द रिस्पांसिबिलिटीज एंड जस्ट टेकिंग सम एडवेंचर ट्रिप्स एंड एडवेंचर ट्रिप लेना बुरा नहीं है बट रनिंग अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेवर ग्रोइंग अप वाला एक इश्यू था तो ही ऑलवेज रनिंग अवे कि आज ये खजाना ढूंढेंगे आज वो खजाना ढूंढेंगे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो वी विल जस्ट सी तो एक और यहाँ पे इसी इसी कार्टून के अंदर एक लेडी थी वेंडी करके ठीक है तो एक तो एक तो पीटर पेन सिंड्रोम है इसको हम पीपीएस लिखते हैं पीटर पीटरपेन सिंड्रोम है और एक वेंडी सिंड्रोम है पीटर पेन सिंड्रोम हुआ कि कोई जिम्मेदारी नहीं है अपना मस्त मोला घूम रहे हैं और एक वेंडी सिंड्रोम हुआ जो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी उन्होंने गड़बड़ करी उसको सही करना है मैसेडअप करा है उसको टाइप करना है हर एक चीज़ का ध्यान रखना है तो दैट इज़ वेंडी टोटली ऑपोजिट टू वट पीटर पैन डज सो ये मेरे को बड़ा फनी लगा था कि जब वो लोग कॉमिक कॉन के अंदर जा रहे थे बिग बैंग इफ यू वॉच बिग बैंग देन हाउ ही ड्रेस्ड एज अ पीटर पैन सो आई जस्ट केप द पिक्चर जस्ट टू रिमाइंड यू इफ यू हैव वॉचड दैट थिंग अच्छा तो ये वॉट इट इज़ दिस लाइक आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवर यू दिया है तो ऐसे लोग जो बहुत ही सिमिलर बिहेवियर अपनी लाइक uh, like, बहुत ही केयर फ्री है नॉट फाइंड फाइंडिंग अगर अडल्टुड में जब उन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है दिन दे आर रनिंग अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बेसिक बेसिकली नेवर ग्रोविंग अप जो होता है उसको पीटर पेन सिंड्रोम बोलते हैं तो न्यूज़ में क्यों है ये मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट ने एक साल साल के uh, minor, 23 साल के माइनर, बंदे को, को उनको एक बेल ग्रांट करी है। कोर्ट ये पता चला था कि दोनों वो तेईस साल का लड़का और वो चौदह साल की जो लड़की है दे वर लाइक रोमैंटिकली इन्वॉल्व इन टू अ रिलेशनशिप एंड वट एवर है तो जब कोर्ट ये हियरिंग कर रहे थे तो कोर्ट अक्यूज ने बोला उनको कि सर मुझे तो पीटर पैन सिंड्रोम है तो पीटर पेन सिंड्रोम तो इससे जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने ऑर्ग्यू करा कि ऐसा है तो मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ मेडिकल एग्जामिनेशन कराए तो कोई अब नहीं मिली तो दैट द डिफेंस जो है वो मतलब उस उस लड़के का डिफेंस इस चीज को प्रूव नहीं कर पाया कि उनको कोई पीटर पेन सिंड्रोम है या नहीं है बिकॉज इट इज अभी हम बात करेंगे कि क्यों प्रूव नहीं हुआ है क्योंकि देखो पीटर पेन जो मैंने आपको फोटो दिखाया था ये जेम्स मैथ्यू बेरी ने एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाया था स्कॉटिश नॉवलिस्ट थे ये इन्होंने पीटर पेंट बोला था ये जो पीटर पेन है ये केयर फ्री एक यंग बॉय का था जो कभी बड़ा नहीं हुआ काफी सारी बुक्स में आज भी काफी पॉपुलर है बहुत सारे टीवीज में कॉमिक्स में मूवीज में ये बहुत बहुत ही फ्रीक्वेंटली दिखाई देता है तो उनकी जो स्टोरीज है पीटर पेन और उसकी फ्रेंड उसका फ्रेंड है वेंडी तो ये दोनों नेवरलैंड एक एक मिस्टिकल आइलैंड होता है जिसको ना बोलते हैं नेवरलैंड सो नेवरलैंड पर ट्रेवल करते हैं वहां पे फेरी मर्मिड से मिलते हैं अदर से मिलते हैं अपना एडवेंचर चलाते हैं तो ऐसे ही सिमिलर टाइप का अगर बिहेवियर में डेवलप होता है तो उसको पीटर बोलते हैं लेकिन WHO के हिसाब से ये कोई हेल्थ डिसऑर्डर नहीं है पीटर पेन सिंड्रोम को डब्ल्यू एच ओ एज अ हेल्थ डिसऑर्डर रिकॉग्नाइज नहीं करता है बहुत सारे लोगों को लगता है कि इट इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन जो किसी के क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेफिनेटली इफेक्ट करता है कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट कर रहा है आप बड़े हो गए आपने ग्रेजुएशन कर लिया घर वालों ने आपको ग्रेजुएशन करवा दिया आपने कर भी लिया क्योंकि पढ़ना था कॉलेज में मस्ती हुई होती है बट नाव वंस यू हैव अडल्टेड यू आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वट यू शुड टेक नाव यू आर नॉट डूइंग द जॉब नाव यू आर नॉट स्टार्टिंग ए फैमिली

तो इट्स जस्ट लाइक व्हेन यू ऑब्जर्व समबड़ी इट्स लाइक सम पीपल हु डोंट वॉन्ट हु डोंट फील ग्रोइंग आप मतलब ऐसा लगता है कि किसी अडल्ट की बॉडी के अंदर एक चाइल्ड का माइंड हो गया है लाइक like, अडल्ट बॉडी और चाइल्ड माइंड वाला जो सिचुएशन होता है दे डोंट नो मतलब लाइक यू नो बहुत के डिश बचपन है कि हरकतें करेंगे दे दे स्टार्ट एंड एंड दे केन नॉट स्टॉप बींग अ चिल्ड्रन एंड दे के नॉट स्टार्ट बींग मदरस एंड द फादर सिंड्रोम जो है इसको साइकोपैथोलॉजी इज uh, नॉट कं अभी अभी तो तक इसको साइकोपैथोलॉजी नहीं बोलते हैं कि आपकी कुछ साइक से रिलेटेड है क्या हालांकि काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ अडल्ट आर प्रेजेंटिंग दिस इमोशनल मेच्योर बिहेवियर्स इंडिया में भी हैं वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर भी हैं पीटर पेन सिंड्रोम किसी को भी इम्पैक्ट कर सकता है इर रिस्पेक्टिव ऑफ फोर्ट जेंडर मैन एंड वुमेन रेस एंड कल्चर लेकिन ये जनरली थोड़ा सा मैन में ज़्यादा अब कॉमनली अपियर होता है आई डोंट नो वट इज द रीजन इफ़ यू थिंक इफ यू कैन थिंक ऑफ एनी रीज़न कि मेन में पीटर पेन सिंड्रोम क्यों ज़्यादा होता है प्लीज मैंशन इट इन द कॉमेंट सेक्शंस देखो एक दूसरे पर उछालनी नहीं, नहीं है कोई चीज ठीक है अगर आपके पास एक लॉजिकल रीज़न हो सकता है इफ यू थिंक दिस कैन बी द रीज़न राइट इन द कमेंट सेक्शन एक दूसरे पे कभी कीचड़ नहीं उछालना है ठीक है कि ऐसा है वैसा है ये दिस दिस इज दिस इज अ वेरी रॉन्ग बिहेवियर अच्छा, तो जैसे पीटर पेन है उसी तरीके से एक और सिंड्रोम है जिसको बोलते हैं वेंडी सिंड्रोम वेंडी सिंड्रोम जो है ये एंटी एक कैरेक्टर है जो पीटर पेन के साथ में रहते थे तो उसको वेंडी जो है इसको मदर बुलाते थे क्योंकि वो शी वॉज टेकिंग द रोल ऑफ एन अडल्ट एंड समटाइम्स वो बहुत मेच्योरिटी से उसको समझाना उसको वो जो भी बिगाड़ देता था उसको ठीक से करना तो लोग वेंडी जैसे पीटर पेन हो गया सिमिलरली वेंडी को टोटल message, जिसने कुछ कर दी रायता वेंडी को कभी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला लेकिन वेंडी की तरफ से हमेशा पीटर पेन को सपोर्ट था तो दीज आर जस्ट टू कैरेक्टर्स जिनके नाम पर यह सिंड्रोम दिया गया है बेस्ड ऑन मतलब देखो पर अगर मैं अपना थोड़ा सा अगर पर्सनल ओपिनियन रखू uh, तो मुझे लगता है टाइम्स इज जस्ट लाइक वी आर रनिंग अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो एक जो फ्री एटीट्यूड जो फ्री लाइफ होता है नो बडी वॉन्ट्स टू गिव दैट अप बट आई थिंक ग्रोविंग अप इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ इफ यू वॉन्ट टू एक्चुअली लिव द लाइफ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ही जिया जाता है इस तरीके से केयर फ्री होना एट अ पॉइंट यू शुड भी यू शुड भी वेन द मोमेंट कम यू शुड भी केयर फ्री यू शुड डेफिनेटली इंजॉय द मोमेंट्स लाइक दर इज नथिंग एल्स बट यू शूड ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज देर आर पीपल हु आर डिपेंडेंट अपॉन यू यू कैनॉट मतलब वो फिर बड़ा सेल्फिश बिहेवियर आ जाता है अनू आर नॉट सेल्फिश एन यू सो दिस वॉज द पीटर पेन सिंड्रोम मेरा नाम संतोष है एंड इन द कॉमेंट सेक्शन फ्रूटफुल डिस्कशन करना है आपको क्यों लगता है कि मैन या वुमेन मतलब अगर वुमेन भी है तो क्यूँ वाई डू दे हैव द पीटर पेन सिंड्रोम एंड वाई इस आर्टिकल में कहा गया है कि मैन में ज्यादा पीटर पेन सिंड्रोम दिखाई देता है बट हैव बी बी वेरी सेंसिबल ओके मेरा नाम संतोष है अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो लिटल अंडर सिंपल है अपना ध्यान रखिए डबल मास्क पहनना मत भूलो सैनिटाइजर हमेशा साथ में रखो स्टे हाइड्रेटेड स्टे हैप्पी थोड़ा फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज करो थोड़ा खुद को Time though, take care of yourself. Be very, very kind to yourself. It is very important that in these crucial situations we stay kind to ourselves. And I will see you guys in the next. Jay Hind.